हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं हेल्थ गुरु चैनल। दोस्तों आज मैं आपको जो दिवाली वाली घड़ी होती है उससे मैं आपको रिचार्जेबल बना करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास भी ये दीवार वाली घड़ी होगी फ्रेंड्स, लेकिन जो इसका बैटरी होता है फ्रेंड्स, जो लिथियम प्रति है सेल वाली बैटरी होती है वो चार्ज तो नहीं होती है फ्रेंड, लेकिन इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ये बैटरी चार्ज आप कर सकते हो, 2 से 3 बार आप इसे यूज में ले सकते हो, फिर ये पूरी तरह से ये खराब हो जाएगी, लेकिन आप इसे चार्ज कर सकते हो ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी ये जो घड़ी है ये वर्क नहीं कर रही है, मतलब जो ये बैटरी है ये पूरी तरह से डेड हो गया है फ्रेंड। लेकिन आज मैं आपको इस वाले बैटरी को हटा करके आपको एक रिचार्जेबल, मतलब इसे रिचार्जेबल मैं आपको बना करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पैसे बचेंगे और आप इसे हमेशा के लिए आप इसे रिचार्जेबल बना सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे इसे चार्ज करने होंगे और आप इसे पूरे, मतलब आप चला सकते हो फ्रेंड्स। 1 महीने 2 महीने तक आप चार्ज नहीं करोगे तो भी ये अच्छी तरह से वर्क करती रहेगी, क्योंकि जो इसका बैटरी बैकअप आएगा फ्रेंड वो भी काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि हम जो इसमें बैटरी को लगा जिस बैटरी को हम लगाने वाले हैं इसमें वो काफ़ी अच्छा है, वो आपके पास ऑलरेडी मिल ही जाता है और वो काफ़ी सस्ते में भी आपको मिल जाएगा अगर आप लोकल मार्केट में इसे लेने जाते हो। तो फ्रेंड्स अगर मैं फिर से अगर यही सेल वाली बैटरी अगर लगा देता हूँ तो फिर से ये ख़राब हो जाएगा, मतलब बैटरी इसका लो हो जाएगा और ये फिर से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ एक मोबाइल की बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट की है, और आपको इसे चार्ज भी करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सॉकेट भी लेना पड़ेगा जो कि 5 वोल्ट डीसी सॉकेट है। अगर आपके पास सॉकेट नहीं है तो आप यहाँ पर यूएसबी केबल का भी यूज कर सकते हो, और आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक डायोड जिसकी वैल्यू है IN4007 वैल्यू का, आपको स्क्रीन पर सभी वैल्यू शो हो रही होगी। और यहाँ पर आपको एक LED ले लेना होगा, क्योंकि हमें जब इसे चार्ज में लगाऊंगा तो आपको पता भी चलना चाहिए कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं। अब आपको यहाँ पर एक 1K का रेजिस्टेंस लेना होगा, ब्राउन ब्लैक रेड इसका कलर कोड है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि इसमें स्विच भी लगाया जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें स्विच लगाता हूँ तो इसमें जो कनेक्शन जो आएगी वो ख़राब हो जाएगी, मतलब ये जो घड़ी है ये डायरेक्ट चलती है, तो हमें इसे सोल्डर करने के लिए वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले जो इसकी जो टर्मिनल्स है जहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगती है वहाँ पर आपको सोल्डर करना होगा। सोल्डर करने के लिए यही आपको करना होगा फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको इसे रफ करना होगा दोनों पिन को, क्योंकि अगर आप रफ नहीं करोगे तो इसमें सोल्डर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे भी सोल्डर करने की कोशिश किया था। तो देखिए फ्रेंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपको इसे समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे तुरंत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए या आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कीजिए फ्रेंड, मैं वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा आप जब मुझे वहाँ पर कमेंट करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर कुछ वायर्स ले रहा हूँ जिससे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सके आपको पतली वाले वायर को यूज करना है, अगर आप इसे मोटे वाले वायर का यूज करते हो तो जो इसका जो बैटरी बैकअप आएगा वो कम हो जाएगा और इसमें वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो आपको जितना हो सके पतला वायर लेना है, और ये आपको वायर 6 से 7 रुपये मीटर मिल जाएगी, आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी किट है या कोई भी सामान है उस पर सोल्डर किया हुआ रहता है वायर पहले से भी, तो आप उस वायर का भी यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास सोल्डर मशीन नहीं है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर जाइए और इसे देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको होममेड की वीडियो काफ़ी सारी मिल जाएगी। जितने भी आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है, सोल्डरिंग मशीन नहीं है, तो सभी पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जो इसका जो बैटरी है फ्रेंड उस पर आपको वायर को लगा देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्ट इस तरीके से सोल्डर करना है। अब जो इसका चार्जर बनाना है फ्रेंड, तो चार्जर को आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट है उसे तो आपको वहीं पर लगा देना है साथ में चार्जर के नेगेटिव पॉइंट में, और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर आपको डायोड का जो सिल्वर कलर का जो पार्ट होता है उसे आपको लगाना है बैटरी की तरफ, और ब्लैक पार्ट आपको लगाना है चार्जर की तरफ, जिससे हम जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी, वापस ये बैटरी लो नहीं होगी। और तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसे पूरी तरह से पैक कर लेना है, क्योंकि जब हम इसे चार्ज करेंगे तो ये हीट भी हो सकता है और जब आप इसे ऊपर में रखोगे तो ये हट भी सकता है, मतलब आप जो शोल्डर इसमें किए हो वो भी हट सकता है। तो आपको इसे ग्लू गन से पैक कर देना है। आप जो चार्जर का जो कनेक्शन है वो तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको किस तरह से शोल्डर करना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको शोल्डर कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप खुद से कर दोगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग करते नहीं हो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो देखिए, यहाँ तक आपको कनेक्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक स्लीव, क्योंकि स्लीव अगर आप लगाते हो तो इससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब जो बैटरी है वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगी और आप इसे चार्ज कर भी सकते हो। आपको इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही घंटे चार्ज में लगाना है और ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आपके पास ये वाली बैटरी नहीं है तो आप इमरजेंसी वाली जो बैटरी होती है 4 वोल्ट की, आप उसे ले सकते हो, या आपके पास लिथियम बैटरी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन लिथियम बैटरी पर आप इस वाले चार्जर का बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, उसके लिए आपको स्पेशल एक चार्जर लेना पड़ेगा जो आपको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या आप लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये बोलना होगा कि हमें लिथियम बैटरी की चार्जर चाहिए तो वह आपको दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर ये जो घड़ी है ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, कोई फेक वीडियो नहीं है और ये अच्छी तरह से वर्क करती है। आप लोगों के सामने यहाँ पर आप तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा ये कितनी अच्छी तरह से वर्क करने लगा है फ्रेंड्स। और आप इस एक बैटरी की वजह से आप इसे 2 से 3 महीने तक चला सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ही ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।